हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है जॉइंटेड बार ग्राफ। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीवियस डे यानी कि जो हमारा इसके पहले लेक्चर हुआ था, उसी में हमने ये न्यू चैप्टर जो है आपका जॉइंटेड बार ग्राफ इसकी शुरुआत की थी। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है जॉइंटेड बार ग्राफ, किस तरह से जॉइंटेड बार ग्राफ को बनाया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने बताया था। तो आज सेम, आज जो लेक्चर नंबर 2 है उसी पे यहां पे एक और एग्जांपल आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। एंड ये एग्जांपल जैसे ही हमारा सॉल्व होता है, उसके बाद सीधा हम लोग स्विच करेंगे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके ऊपर हम एक एग्जांपल आप लोग के लिए जरूर से कराएंगे। ओके दोस्तों, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीजें तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दी थी कि क्या होता है, किस तरह से प्लॉट करना है, लेकिन एक्चुअल एग्जांपल आज हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखने जा रहे हैं। कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, आप देखोगे तो पेज नंबर 52 पे, जो कि बोला है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे मैं फिगर नहीं बना रहा, उसका एक टेबल आपको दिया हुआ है, तो आप अपना टेक्स्टबुक में पेज नंबर 52 पे जरूर से देखिएगा। तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज गिवन। एक टेबल में आपको दिया हुआ है जिसमें क्लास दिया हुआ है 5th से लेकर 10th तक, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक टेबल बनाया हुआ है, उसमें कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, उसका एक ग्राफ यहाँ पे, उसका एक टेबल जो है आपको दिया हुआ है। अब हमें ये पूछा है ड्रॉ अ जॉइंटेड बार ग्राफ, हमें बोला है कि ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है कि क्लास दिया हुआ है कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, उसके हिसाब से आपको क्या बनाना है, एक जॉइंटेड बार ग्राफ बनाना है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये होती है दोस्तों, बोल दिया है जॉइंटेड बार ग्राफ बनाने, बोला रहेगा तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मुझे नॉर्मल ग्राफ बनाना है कि जॉइंटेड बनाना है। तो डायरेक्टली आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में भी अगर आपको पूछता है तो सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा कि ड्रॉ ए जॉइंटेड बार ग्राफ। करेक्ट है, जॉइंटेड बार ग्राफ दे दिया। अब यहां पे जॉइंटेड के लिए 2 चीज होना जरूरी है, जैसे हमने कल देखा था अजय और विजय का लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा होगा, तो अजय और विजय का दोनों का यहाँ पे ग्राफ यानी कि जो डेटा था, जो इन्फॉर्मेशन था, वो दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी 2 चीज का होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉयज का दिया हुआ है, दूसरा गर्ल का दिया हुआ है। तो हम लोग किस तरह इसको ड्रॉ करने वाले, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एक्सिस होते हैं, ठीक है, आपको जैसे कि पता ही है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं आपके स्केल से हेल्प से। आप नोटबुक में अगर बना रहे हो तो ऐसे इस तरह बनाना होगा, या फिर अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ग्राफ पेपर में बनाओ, क्योंकि उसमें लाइंस जो है ऑलरेडी दी होती है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर का एक लाइन होता है आपका, ठीक है ना, आपको याद होगा। उसमें ग्राफ पेपर सबके पास होते हैं, नहीं होगा 5-10 रुपए की बुक आती है दोस्तों, उसमें 5-8 पेज होते हैं, वो खरीद लो दोस्तों स्टेशनरी से, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा उसमें करने के लिए। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ हमारा जॉइंटेड बार ग्राफ। तो 2 चीज यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला चीज क्या बोला इसमें मैंने, कि आपको बोला है बॉयज एंड गर्ल्स का क्लास के हिसाब से अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे मैं बनाऊंगा क्लास के, कितने क्लासेस है यहाँ पे। तो लेट सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के लिए, 6th स्टैंडर्ड के लिए, 7th, 8th, 9th एंड 10th। मैंने यहाँ पे टोटल जो 5th से लेकर हमारा जो 10th तक का स्टूडेंट्स का डेटा दिया था, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को 2 चीज दिया हुआ है, बॉयज एंड गर्ल, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बॉयज के लिए भी बनेगा, साथ में गर्ल्स के लिए भी बना था, लेकिन हमें पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका डेटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्या एक यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का ग्राफ बना लेंगे, मतलब डेटा बना लेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूं। तो सबसे पहले आपको अभी यहाँ पे डेटा लिखने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट कितना, क्योंकि आपको एंड तक करना है। तो हाईएस्ट कितना जा रहा है, सबसे मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 67, ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 67 दिख रहा है, मतलब आप 70 तक बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ 70 तक बनाता हूँ। सबसे पहले ये 0 होता है, 0 के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 20, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 30, यहाँ पे ले लेता हूँ 40, नेक्स्ट 50, 60 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 70। तो मैंने क्या किया, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मैंने है ये ग्राफ जो है वो बना लिया, ठीक है ना, क्लियर है आपको ये चीज, तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्राफ दिख रहा है। प्रॉपर तरीके से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप ध्यान से अगर देखो कि ये मेरे पास क्या, ये यहाँ पे क्या अवेलेबल है, इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आपको नीचे लिखना है ये क्या है दोस्तों, 5th, 6th क्या है, ये स्टैंडर्ड है आपके, ठीक है ना, जो आपके बुक में दिया हुआ है, यानी कि जो आपका डेटा इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। तो आप लिख दो यहाँ पे दैट इज स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड्स, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, या फिर जो भी नॉर्मल लिखना है आपको बुक के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने जो डेटा आपको दिया हुआ है, जो टेबल आपको बनाया हुआ है, तो आप उसमें देखोगे कि 5th स्टैंडर्ड का जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि बॉयज 52 है एंड गर्ल्स जो है वो 57 है। तो मैं सबसे पहले एक स्केल बनाऊंगा, हम लोग हमेशा स्केल लिखते हैं आपको याद होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे भी लिख के दिखाता हूं कि स्केल जो है
वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। और यहाँ पे आपको बॉयज एंड गर्ल दोनों का दिखाना है, तो सबसे पहले मैं कुछ कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, एक बॉक्स बॉयज के लिए बना दिया, एक बॉक्स गर्ल के बना दिया। तो बॉयज के लिए मेरा मैंने क्रॉस लाइन से इंडिकेट किया है कि ये जो रहेगा वो बॉयज के लिए रहेगा और सादा वाला जो बॉक्स रहेगा वो किसके लिए रहेगा, गर्ल्स के लिए रहेगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे बना दिया, करेक्ट है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने देखा तो फिफ्थ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि बॉयज 52 है और गर्ल्स 57 है, तो बॉयज 52 है फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए। तो बॉयज आपका आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपका जो लाइन होता है, जो आपका ग्राफ होता है, अगर ग्राफ में बना रहे तो आपको पता होगा कि एक यूनिट होता है, 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे आपने फिफ्थ जहां पे लिखा है ना, वहां पे 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा, समझ लो इतना डिस्टेंस रहेगा, तो उसका एक आधा पॉइंट भी होता है, मतलब 5 पे डिस्टेंस पे होता है ना, आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर है अगर, तो उसका आधा पॉइंट भी होता है। तो आधा आपको डिस्टेंस किसके लिए बनाना है, बॉयज के लिए बनाना है। कितना है बॉयज का, सबसे पहले दिया हुआ है आपके बुक में 52 कहां पे आएगा, ये 50 है, 52 लगभग इधर पे आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये वाला जो लाइन है इसको सीधा सीधा स्केल से यहां तक मार्क कर दो, 50 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये 52 हो गया यहां पे। और ये आधा लाइन जो है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का आधा, जो 0.5 सेंटीमीटर का जो लाइन था, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ एंड इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया बॉयज के लिए ग्राफ। बॉयज के लिए हम लोग कैसे जिगजैग बना रहे, लाइन ऐसा बीच में खींच दो कि पता चल जाएगा कि ये जो बॉक्स बनाया आपने, ग्राफ बनाया, ये बॉयज के लिए बनाया। वैसे साथ में गर्ल्स का भी है, तो गर्ल्स का यहाँ पे बोला है 57 है, 57 है मतलब 60 से थोड़ा कम होगा, तो मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां से इसको ऐसा जोड़ दो और इधर से, और ये जो लाइन था आपका फिफ्थ का 1 सेंटीमीटर जो लाइन था वो यहाँ पे ऐसा लेके जाओ और सीधा 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 ऊपर लेके जाओ और इसको यहाँ पे जोड़ दो। तो ये बन गया देखो जॉइंटेड बार ग्राफ, मतलब ये बॉयज का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया इसको कि बॉयज का जिगजैग लाइन रहेगा और गर्ल्स का सादा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई नया बंदा आता है और कोई देखेगा ये ग्राफ को, मैं अभी तो मैंने फिफ्थ का ही बनाया, लेकिन अगर कोई देखता है तो बोलेगा कि हाँ कि ये जो ग्राफ बना है इसमें ये जिगजैग वाला बॉयज का, जिगजैग सादा वाला जो है वो गर्ल्स का है स्पेस वाला। एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो बॉयज है, बॉयज कितने हैं, लगभग 52 है, मतलब 50 से ज्यादा लिखा है, लेकिन आप वो जो लाइंस होते हैं ना 1, 2, 3 के, अभी 50 और 60 के बीच में टोटल 10 लाइंस होते हैं आपके ग्राफ में, अगर देखा जाए तो टोटल ऐसे 10 लाइंस होते हैं छोटे छोटे, तो उसके हिसाब से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 50 है, 50 के बाद 2 लाइन छोड़ के 52 हो जाएगा, तो ये 52 हो गया, ये 57 हो गया। तो कोई भी देख के बता सकता है, इस प्रकार का स्टडी किया जाता है जॉइंटेड बार ग्राफ का। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, वैसे ही सिक्स स्टैंडर्ड के लिए देखोगे तो 68 और 63 है, 68 और 63 कैसे बनाओगे, 68 मतलब 70 के जस्ट पहले रहेगा आपका, बना दो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया 68 और 63 मतलब 60 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, 60 से थोड़ा, ये 60 है, 63 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बना लो। और ये बॉयज के लिए यहाँ पे जिगजैग बना दो ताकि पता चल जाए कि ये बॉयज का है, करेक्ट है। नेक्स्ट है सेवन्थ स्टैंडर्ड में, आप 67 और 64 है, सेवन्थ में 67 है, 64 है, 67 थोड़ा सा इसके बराबर ही रहेगा लगभग, ठीक है ना, 67 और 64 मतलब 60 से थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे इसको पहले पूरा ज्वाइन कर दो एंड 64 जो है लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा, इसको ऐसा ज्वाइन कर लो, ये भी हो गया सेवन्थ स्टैंडर्ड के लिए, इसको जिगजैग कर दो। तो इसी प्रकार आपको ग्राफ बनाते जाना है, जैसे कि मैंने आपको फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन का बना के दिखा दिया, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिख रहा होगा कि 8, 9, 10 का भी बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो ग्राफ है वो बनाते रहना है, बहुत ईजी है। आप देखोगे यहाँ पे मैं पूरा भी बना के दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे मैं कुछ छोड़ना चाहता हूं। तो बचे हुए जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 8th का 9th का एंड 10th का, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखोगे 5th का मैंने बना दिया 6th का बना दिया 7th का बना दिया, ये हमने तीन चीज का आपको बना के दिखा दिया, 8, 9, 10, 10th, ये तीन चीज आप लोग को बनाना है दोस्तों, कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस तो हमारा भर गया है दोस्तों, मैं बना के बता सकता हूं, लेकिन क्या होगा सिर्फ आप देखोगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हमने 5th का बना लिया 6th का बना लिया 7th का बना लिया, अब आपको क्या करना है, अपने ग्राफ बुक में ये 5th 6th 7th तो हमारा आप देख के बना सकते हो, लेकिन 8, 9th और 10th का जो बचे हुए ग्राफ है उसका जो वैल्यू दिया हुआ है कि 8 का 50 बॉयज है, 48 गर्ल्स है, 9th का 62 बॉयज 62 गर्ल बोथ है, 10th का 60 बॉयज एंड 64 गर्ल है, तो उसके हिसाब से आप ग्राफ यहाँ पे जो बचे हुए स्पेस है वहां पे बना लेना अपने ग्राफ बुक में जरूर से। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइप का एग्जांपल है कि हाउ टू ड्रॉ ए जॉइंटेड बार ग्राफ बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल वाला, तो ये आपको 100% समझ में आया हो दोस्तों। प्लीज अपना जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। एंड बचा हुआ एग्जाम्पल जो है उसका 8, 9, 10 आप लोगों को जरूर से होमवर्क करना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गया हमारा एक एग्जाम्पल की, तो जैसा मैंने बोला था कि आज मैं अगेन शुरुआत करने जा रहा हूं हमारा प्रैक्टिस सेट का भी, तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, अब सीधा हम लोग जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो इसमें भी आप देखोगे तो लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें भी मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल को सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है नूतन विद्यालय एंड भारत विद्यालय, आप देखोगे पेज नंबर 53 पे आओ आप, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 31 पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस, एंड बचे हुए रिमेनिंग है जरूर से आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड को रफ करते हैं एंड उसके बाद हम लोग सीधा हमारा जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर जंप करते हैं, ओके। तो लेट्स रफ दिस फास्ट।
बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप देखोगे प्रैक्टिस सेट में। और आप लोग प्रैक्टिस ये करो दोस्तों कि आप लोग जो है नोटबुक में ना करके बल्कि ग्राफ पेपर एक खरीद लो, ठीक है। बहुत सस्ते आते हैं, ग्राफ बुक आता है सीधा सीधा 10-15 रुपए का आ जाएगा, बहुत ही छोटे वाले भी आते हैं और नॉर्मल मीडियम साइज वाले भी आते हैं। स्टेशनरी पे आप जाओगे तो डायरेक्टली आपको परचेस करने के लिए हो जाएगा दोस्तों, तो वहां से आप जाओगे तो आप खरीद सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसी पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ग्राफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो ग्राफ जो मिल जाएगा आप लोग को उसके बाद बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। अब सीधा में जैसे मैंने बोला कि हम हेडिंग डाल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 31, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 31। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में सबसे पहला एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं यहाँ पे, डायरेक्टली आपके पेज नंबर 53 पे मैं बता रहा हूँ। और हमेशा से मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप हमारा लेक्चर देखते हो, खास करके मैथ्स का जब देखते हो, तो आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठा करो, ठीक है ना, तो बहुत ईजी पड़ता है। ओके, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको रीड करके बताता हूँ कि द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे, ठीक है ना, एक वर्ल्ड ट्री डे होता है नॉर्मली, तो उसमें जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, प्लांटिंग करवा रहा है, मैं बच्चे लोग से क्या पेड़ उगवा रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ नेम दिए हुए स्कूल के, एक है सबसे पहला नूतन विद्यालय, दूसरा है भारत विद्यालय, तो ये दो स्कूल दिए हुए। और इसमें कौन कौन से पेड़ उगा रहा है, आलमंड यानी कि बादाम के, करंज का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है और गुलमोहर, 5 टाइप के पेड़ को उगा रहा है। तो ये जो विद्यालय है वो कितने कितने पेड़ उगा रहे हैं, यहाँ पे उसका डेटा हमें इन्फॉर्मेशन जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसी के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, हमारा जॉइंटेड बार ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करना है। तो ये मैं आप लोग को करा देता हूँ एंड बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया मैंने, इस तरह से मैंने आंसर के लिए कॉलम बना दिया। ओके, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए हमें। तो दो एक्सिस आपको स्केल के हेल्प से आपके ग्राफ बुक में बना लेना है। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, क्योंकि आपको क्या बनाना है, टाइप्स ऑफ जो ट्री है वो उगाना है यहाँ पे, तो वो हम लोग को पता है कौन कौन से टाइप के पेड़ है, यहाँ पे आलमंड है, करंज है, तो इसके नाम यहाँ पे लिख दो। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आलमंड, मतलब ये सबसे पहला जो पेड़ उगा रहे वो लोग वो आलमंड को उगा रहे, यानी बादाम का जो पेड़ होता है उसको उगा रहे। सेकंड में आप देखोगे तो बोला है करंज, ठीक है ना, यहाँ पे करंज छोटा छोटा आप लिख दोगे तो आपका स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, करंज हो जाएगा। तीसरा जो है आप देखोगे नीम, ठीक है ना, नीम उगा रहे वो लोग, ठीक है, नीम के बाद क्या उगा रहे, अशोक और गुलमोहर, ठीक है, तो यहाँ पे अशोक लिख देता हूँ। एंड लास्ट में जो उगा रहे वो लोग गुलमोहर उगा रहे, जो गुलमोहर का पेड़ होता है वो उगा रहे, ठीक है। मैंने एकदम धीरे से छोटा छोटा लिखा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, लेकिन जो भी नाम है दोस्तों आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैं ग्राफ को जो है बना के दिखाता हूं आप लोग के लिए। ओके, सबसे पहले क्या बोला, आलमंड, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर, ये तो 5 टाइप के पेड़ होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। दो टाइप के विद्यालय है, तो हमारा स्केल में यानी कि जो हम लोग बनाएंगे वो दो तरीके के बार बनाएंगे, एक अलग दिखेगा दूसरा अलग दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नूतन विद्यालय के लिए, कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरफ लिखता हूं ताकि ये जो स्पेस है हम लोग यूटिलाइज कर सके फ्रेंड, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूं एक, तो ये बॉक्स में अगर मैं जिगजैग बनाऊंगा तो ये न्यूटन के लिए, ठीक है ना, न्यूटन लिख देता हूँ न्यूटन विद्यालय के लिए। और अगर साधा वाला बॉक्स बना रहा हूं तो वो किसके लिए, हमारा दूसरा नाम क्या है, भारत विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, अब भारत विद्यालय, न्यूटन विद्यालय, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे मुझे पता है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात कर रहे थे हम लोग कि हम लोग को y एक्सिस जो है फ्रेंड्स, ये y एक्सिस पे क्या लिखना है। ओके, तो y एक्सिस की अगर बात करें, अब ध्यान से देखो y एक्सिस में आपके बुक में क्या दिया है, दूसरा चीज क्या बोला है, नंबर ऑफ सैपलिंग। तो नंबर ऑफ सैपलिंग मतलब कुछ तो दिया है कि नूतन विद्यालय ने आलमंड जो है वो 40 उगाए, करेक्ट है, भारत विद्यालय ने आलमंड जो है 42 उगाए, तो ये 40-42 क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग है, मतलब नंबर ऑफ पेड़, जिसको ट्री बोलते हैं, सैपलिंग मतलब क्या होता है, पौधा, ठीक है, छोटा सा जब हम लोग लगाते हैं तो सैपलिंग है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस में क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ सैपलिंग लिखूंगा। तो नंबर ऑफ सैपलिंग के लिए मुझे कुछ तो नंबर बनाने पड़ेंगे, तो देखो सबसे हाईएस्ट नंबर आपके टेबल में क्या दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या दिया हुआ है आप देखोगे तो एक 60 दिख रहा है मुझे, उसके बाद 72 दिख रहा है, मतलब 72 इज माय हाईएस्ट नंबर, मतलब मैं 80 तक बना सकता हूं या फिर आप 75 तक बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 5-5 का गैप लेके बनाता हूं, ठीक है, लेकिन 5-5 का गैप लेके बनाऊंगा तो ये मुझे मेरा स्पेस जो है छोटा पड़ जाएगा, तो मैं 10-10 का ही लेके बनाता हूं, लेकिन आप लोग जो है 5-5 का गैप लेके भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो ये 0 रहता है, तो लेट सपोज ये मेरा 10 हो गया, ठीक है ना, ये 20 हो गया, ये 30-40, ठीक है ना, ये 50 हो गया, ये 60 हो जाएगा, एंड लास्ट में मैं 70 बना रहा हूं, करेक्ट है, 70 बना दिया, 72 तक है, मतलब इसके जस्ट ऊपर तक हम लोग ले सकते हैं। आलमंड की बारी है, अब आलमंड में आप देखोगे तो नूतन विद्यालय ने आलमंड जो है 40 उगाए हैं, 40 सैपलिंग उगाए हैं, तो मतलब मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ लूंगा यहाँ पे, जो मेरा जो भी यूनिट रहेगा यहाँ पे इतना बड़ा रहता है, करेक्ट है, यही 1 सेंटीमीटर का रहता है ना उसमें आपके ग्राफ में, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आधा लूंगा मैं आलमंड का न्यूटन विद्यालय के लिए। तो कितना है हम लोग का, कितना उगाया उसने, 40 उगाया, तो 40 किधर है, यहाँ पे, मतलब एक्जैक्टली यहां तक मुझे लेके जाना है, तो यहां से सीधा मैं लेके जाऊंगा स्केल, 40 तक लेके गया, 40 तक लेके गया, यहाँ पे टर्न लिया, एंड ये जो हाफ पोर्शन था यहां से वापस एक स्केल लेके यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ये बन गया आपका किसका, न्यूटन विद्यालय के लिए। न्यूटन विद्यालय को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरा बन गया कि 40
पेड़ जो है आलमंड के वो नूतन विद्यालय ने उगाया है, इस ग्राफ से पता चला। लेकिन साथ ही में भारत विद्यालय ने भी आलमंड उगाया, तो भारत विद्यालय के लिए ऐसा बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कितने उगाने सबसे पहले 42 बनाए, तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इसके जस्ट ऊपर आएगा यहाँ पे, 40 से थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पे मैंने ले लिया ज्वाइंटेड डायग्राफ है, मतलब कनेक्टेड रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे। एंड यहां से मैं सीधा सीधा नीचे लेके आऊंगा हमारा पर्टिकुलर जो भी रहेगा, ये थोड़ा सा मेरा मोटा बन गया, लेकिन आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो इस प्रकार से लगभग आपका बनेगा, और ये सादा रहेगा क्योंकि हमने भारत को सादे वाले से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बन गया हमारा आलमंड का ग्राफ, कि आलमंड जो है मैंने नूतन विद्यालय ने 40 उगाए हैं एंड जो भारत विद्यालय है उसने 42 उगाए, ये क्लियर है, पता चल गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो आगे के जो पर्टिकुलर करंज है, नीम है, अशोक है, ये सभी चीज जो है दोस्तों कितने कितने उगाए हैं, इसका भी आपको ग्राफ जो है जरूर से बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। भले लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है नो, बट आप ध्यान से देखो, आपको बहुत मजा आएगा करने में। फिर करंज की बारी है, तो आप देखो अपने बुक में करंज जो क्वेश्चन दिया हुआ है, करंज जो है वो 60 उगाया है किसने, नूतन विद्यालय ने। तो नूतन विद्यालय को इस तरह रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक स्पेस बना देता हूं यहाँ पे, इतना इतना, ठीक है ना। आपके इसमें ग्राफ पेपर में तो बनाया रहता है ऑलरेडी, कोई बात नहीं। तो करंज के लिए कितना उगाना है, मुझे 60 उगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके जाऊंगा सीधा 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 सीधा, लेके गया कहां तक जाना है, 60 तक लेके गया। देखो 60 तक लेके गया, फिर यहां से सीधा यहां पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, करेक्ट है, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया मेरा किसका, नूतन विद्यालय का करंज कितना हुआ है, 60 हुआ है, मैंने लिख दिया। वैसे ही नूतन विद्यालय का करंज तो हो गया, लेकिन करंज भारत विद्यालय ने कितना उगाया है आप देखो अपने बुक में, जो कि बोला है 38। तो 38 कितना आएगा, लगभग 40 से थोड़ा सा पहले। तो ये 40 का लाइन है, ये उससे थोड़ा सा पहले, मतलब यहां तक, यहां से आप सीधा सीधा नीचे लेके चले जाओ, बन गया आपका नूतन विद्यालय। ये हो गया आपका सेकंड ग्राफ करंज का। वैसे तीसरा जो है नीम का, 72 और 60। तो 72 मतलब लगभग, नीम का यहाँ पे मैंने पहले स्पेस बना दिया, यहाँ पे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, 72 मतलब एकदम हाईएस्ट पे 70 हो गया, थोड़ा सा 70 से ज्यादा कर दो, ये बन गया आपका नूतन विद्यालय का ग्राफ। वैसे ही आपका साथ में क्या है, भारत विद्यालय ने कितना बनाया, 60 बनाया, मतलब 60 का कितना है यहां तक, एंड यहां से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये बन गया नीम का आपका, ठीक है, नीम का बन गया। और ये जो है इसको आप लाइन खींच दो, तो ये बन जाएगा नूतन विद्यालय का। तो नूतन विद्यालय ने कितना बनाया था, 72, एंड भारत विद्यालय ने नीम कितना उगाया, 60 उगाया, ये हो गया। वैसे अशोक का आप दिखा सकते हो, तो अशोक का है 15 और 25, तो बहुत कम उगाया लोगों ने, 15 मतलब यहां पे रहेगा, 20 और 10 के बीच में 15 रहेगा, 20 और 10 के बीच में, मतलब यहां पे मैंने एक सबसे पहले लाइन खींच दिया, ये हो गया 15 हो गया यहाँ पे, इसको ये कर दो, मतलब न्यूटन ने 15 उगाया अशोक को, एंड 25 जो है वो भारत ने उगाया। तो 25 मतलब 25 और 30 के बीच में लगभग यहाँ पे आएगा, मतलब थोड़ा सा और हाइट ले लो यहाँ पे, इसके आसपास उगा लो, ठीक है। तो ये हो गया नूतन का भी। एंड लास्ट है आपको गुलमोहर, गुलमोहर जो है वो नूतन ने 42 उगाया है एंड भारत ने 40 उगाया, तो 42 और 40। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपका एक 42 बना लेंगे, 42 लगभग इतना आएगा, 40 से थोड़ा ज्यादा, एंड यहां से मैंने ये कर लिया, एंड साथ ही में भारत ने 40 उगाया, मतलब उससे थोड़ा कम ही रहेगा। लेकिन ये सब जो है आपके ग्राफ में होगा, तो एकदम पॉइंट पॉइंट जो है काउंट करके आप करोगे, क्योंकि लाइंस उसमें बने होते हैं, मेरे पास लाइंस नहीं है तो मैं अंदाजा से ही कर रहा हूँ देख देख के, लेकिन आप लोग के पास बरोबर लाइंस रहेंगे तो आप लाइंस को काउंट करो, क्योंकि अगर 40 है तो 40 और 50 के बीच में आपके 10 लाइन रहेंगे। तो 42 बनाना है, मतलब 40 के बाद का 141 हो गया, उसके बाद का पहला लाइन 42 हो गया, तो उसके हिसाब से बनाना है। ये भी आपका नूतन है, तो इसको क्रॉस मार्क कर दो। तो ये बन गया देखो आपका टोटल ग्राफ, जो कि आपको बनाना था आलमंड का, करंज का, नीम का, अशोक का, गुलमोहर का, और यही तो है आपका जॉइंटेड बार ग्राफ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 31। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे टाइप के ऐसे ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है आपको, एक टेबल है जिसमें सैटरडे संडे में स्वीट लाइम ऑरेंजेस एप्पल के बारे में दिया हुआ है, तो उसका भी ग्राफ बना लेना। वैसे थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन भी आप देखोगे, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे आपको ग्राफ जो है देखने मिलेंगे। तो बहुत ही मजेदार ग्राफ है, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक करा दिया, उसके पहले भी एक एग्जाम्पल करा दिया, तो हाउ टू ड्रॉ अ बार, आई मीन टू से जॉइंटेड बार ग्राफ, ये आपको समझ में आएगी। तो और एग्जाम्पल मुझे कराने की जरूरत नहीं है, बस यही उम्मीद करूंगा। जो बचे हुए इस प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल है, जो कि बहुत सारे हैं, 4-5 और है दोस्तों, तो ये मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो परफेक्ट हो जाओगे उसमें। जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे और अपने स्कूल में, अपने जो भी आपका क्लासेस रहेगा, जो भी है आपका, उसमें टॉप करोगे दोस्तों, ये पूरी गारंटी मेरी। बस यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज पढ़े हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ जॉइंटेड बार ग्राफ, उसी के बेस पे एक एग्जांपल भी सॉल्व किया, उसी के बेस पे आज प्रैक्टिस सेट भी हमने शुरुआत कर दी, और प्रैक्टिस सेट का एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए करा दिया, एंड रिमेनिंग एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों। एंड उम्मीद करता हूं, पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जरूर से होमवर्क को सॉल्व करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स।
ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फटाफट आ जाएंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से देना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।